साथियों, दुनिया में आज कोई ऐसा नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो, जिसका इस महामारी ने नुकसान न किया हो। और दुनिया के बड़े बड़े देश फिर से चपेट में आ गए हैं, संकट फिर से मंडरा रहा है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दुनिया के समृद्ध देश भी परेशानी से गुजर रहे हैं। एनडीए की सरकार ने कोरोना की शुरुआत से ही भरसक प्रयास किया है कि वो इस संकट काल में देश के गरीब, बिहार के गरीब के साथ खड़ी रहे। आप सोचिए, संकट की इस घड़ी में अमेरिका और यूरोप की कुल आबादी से भी ज्यादा, आप सोचिए अमेरिका के जितने जनसंख्या है, यूरोप की जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोगों के लिए देश ने अन्न के भंडार खोल दिए। मेरा कोई गरीब रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरी किसी मां को बच्चों को आंसू पी करके सोने के लिए मजबूर न करना पड़े। मेरी मां को रात रात भूखे बच्चे देख करके निंद न आ जाए, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। और इसलिए आठ आठ महीने हो गए, गरीब के घर में अन्न पहुंचाने का काम हुआ है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे देश के अन्नदाता को जाता है, हमारे किसानों को जाता है। लेकिन गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है, ऐसी संकट की घड़ी में किसी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ा। अगर उसका एक क्रेडिट अनाज उत्पादन करने वाले किसान को जाता है तो दूसरा पुण्य गरीब के जो आशीर्वाद है उसके हकदार आप भी हैं, क्योंकि आपके उसे एक वोट की ताकत है जो आठ महीने से इस संकट में भी गरीब के घर का चूल्हा जलता रखा है। ये आपके वोट की ताकत है। अगर आपने मुझे आशीर्वाद न दिए होते, आपने मुझे और नीतीश बाबू को न बिठाया होता, तो शायद ये अपने परिवार का सोचने वालों ने कभी गरीब के घर के चूल्हे की चिंता नहीं की होती। आज राशन कार्ड धारकों को तो मुफ्त राशन मिल ही रहा है। जिन श्रमिक साथियों के पास राशन कार्ड नहीं भी है, उनको भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीब का चूल्हा जलते रहे, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मां,
छठ पूजा का त्योहार शान से मनाओ, तुम्हारा बेटा रात को भूखा नहीं सोने दूंगा। छठ पूजा तक मुफ्त राशन देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी मदद मिली है। इतना ही नहीं, बिहार की लाखों बहनों के जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे गए, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मुफ्त पहुंचाया गया।